सबसे पहले अपने हाथों को नी के ऊपर क्लास्प कर दीजिए, हग योर नी। अब धीरे धीरे अपने पैरों को रोटेट करिए, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। बैक का दर्द जनरली हमारे गलत बैठने से, लंबे टाइम ड्राइव करने से, बेसिकली आप जब भी किसी गलत पोस्चर में ज़्यादा टाइम तक रहते हैं तो आपको फील होगा। अब अपने लेग को एक्सटेंड करिए और दोनों हाथ नी के पीछे रखिए और उसे अपने, ट्राई करिए कि आप अपने नोज़ से अपने नी को टच कर सकें, कि जितना हो सकता है वहाँ तक जाएं। इससे आपको बहुत ही अच्छा स्ट्रेच फील होगा। अब अपना राइट हैंड एक्सटेंड करिए और अपने लेफ्ट हैंड से नी को पकड़ के उसे लेफ्ट साइड में लेके जाइए। दृष्टि आपकी राइट हैंड की साइड होगी, राइट हैंड को देखिए। ब्रीथ करते रहिए, नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू करिए। इसे कहते हैं स्पाइनल ट्विस्ट, सूक्त मत्स्येंद्र आसन। अब धीरे धीरे अपने पैर को रिलीव करिए, हग योर नी। अब यही चीज आप अपने लेफ्ट लेग के साथ करेंगे, हग योर लेफ्ट नी, पुल इट क्लोजर टू योर चेस्ट। आपकी बैक मैट पे रहेगी। अब अपने पैरों को एक्सटेंड करिए एंड ट्राई टू ब्रिंग इट क्लोजर टू योर चेस्ट। अपने नोज को नी पे टच करने की कोशिश करिए। इसमें आप हल्का सा बेंड कर सकते हैं अपने नी को। एंड रिलीफ, हग योर नी। अब अपना लेफ्ट हैंड साइड में खोलिए और अपने नी को अपने राइट हैंड से पकड़ के अपने लेग को राइट की ओर लेके जाइए। कीप ब्रीदिंग। इस पोजीशन में थोड़ी देर रुकिए। ये स्पाइनल ट्विस्ट से हम अपनी बैक को रिलीज करते हैं, डीकंप्रेस करते हैं। तो जब हम गलत पोस्चर में ज़्यादा देर तक बैठते हैं तो आपको एक अकड़न फील होती है, राइट? तो उस अकड़न को ये रिलीज करता है, ये स्पाइनल ट्विस्ट, और जो हम आज योगा सीखेंगे। Just breathe in and breathe out. वापस सेंटर में आ जाइए, hug your knee and release. अभी हम सेतु बंधासन लेंगे, so दोनों legs को अपने हिप्स के पास लेके आइए। इनहेल के साथ हम अपने टॉर्सो हिप्स को उठाएंगे और एक्सहेल के साथ हम नीचे आ जाएंगे। इनहेल के साथ रेज द बॉडी एंड एक्सहेल के साथ कम डाउन। इनहेल
exhale. Come back to the center. बाई तरफ करवट लेके उठ जाइए और अब हम अपने हैंड्स और नीज पे आएंगे. अब हम करेंगे कैट एंड काउ पोज. इनहेल के साथ हम अपनी चेस्ट ओपन करेंगे और एक्सहेल के साथ बैक को राउंड करेंगे. इनहेल, चेस्ट ओपन, एक्सहेल, राउंड द बैक. जब हम इनहेल करते हैं, अपनी चेस्ट को ओपन करते हैं, उसे काउ पोज कहते हैं. और एक्सहेल करने को जब राउंड कर रहे हैं तो उसे कैट पोज कहते हैं. जैसे कैट अपनी पूरी बैक घुमा देती है, ट्राई आप जितना भी अपनी बैक को घुमा सकें या स्पाइरल दे सकें. वापस आ जाएं. अब अपनी राइट आर्म को अपनी लेफ्ट आर्म के बीच, जो लेफ्ट आर्म और नी के बीच का जो गैप है उसके अंदर थ्रेड करिए. राइट शोल्डर मैट पे आएगा और अपने लेफ्ट आर्म को सामने की ओर एक्सटेंड करिए. दृष्टि आपकी लेफ्ट आर्मपिट में या ऊपर होगी. एंड टेक डीप ब्रेथ्स. इसे कहते हैं थ्रेड द नीडल. वापस आ जाएं. सिमिलरली अब अपने लेफ्ट आर्म को उठाएंगे और अपनी राइट आर्म और नी के बीच में उसे लेके जाएं. लेफ्ट शोल्डर मैट पे रहेगा और राइट आर्म को अपने सामने एक्सटेंड करें. दृष्टि हमारे राइट आर्म पिट या ऊपर की ओर होगी. एंड टेक डीप ब्रेथ्स. Inhale, exhale. वापस से आ जाएं अपने हैंड्स एंड नीज पे. और अपनी एल्बोस को मैट पे लेके आए. एल्बोस को मैट पे लेके आए और अपने लेग्स को मैट पे लेके आए और अपनी चेस्ट को ओपन करेंगे. टेक डीप इनहेल. इसे कहते हैं सलम भुजंग आसन. इस पे हम थोड़ा सा बैक बेंड लेंगे और यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे. यहाँ से हम जाएंगे चाइल्ड पोज में. सो कम बैक टू योर नीज. नीज को खोलेंगे और कीप योर फोरहेड ऑन द मैट और अपनी हील से बैठने की कोशिश करेंगे. नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे यहाँ पे. कम बैक टू द सेंटर. अब सीधे बैठ जाइए. पैर फ्लेक्स रखिए एंड इनहेल, हाथ ऊपर और आगे जाके अपने बिग टोज को पकड़ लीजिए. एंड ब्रीदिंग यहाँ नॉर्मल रहेगी. And release. अब right leg को अंदर की तरफ लेके आए. Right arm पीछे जाएगा और left arm को right knee के अंदर की ओर लेके आए. इसे हम मरीच आसन ट्विस्ट लेंगे.
नजरें आपकी पीछे रहेंगी। मरीच आसन ट्विस्ट। ठीक, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। कम बैक टू द सेंटर। अब लेफ्ट पैर को अंदर की ओर लेके आए, लेफ्ट आर्म पीछे की ओर जाएगा और राइट आर्म को लेफ्ट नी के अंदर की ओर लेके आए और हेड आपका पीछे की तरफ देखेगा। पीछे की तरफ देखिए, इलोंगेट योर स्पाइन एंड टेक डीप इनहेल एंड एक्सहेल। वापस सेंटर में आ जाइए। अब शवासन में आ जाएं और अपनी बैक को अच्छे से अलाइन होने दें। रिलैक्स योर स्पाइन।